सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड, आपके अपने चैनल ब्लॉग मैन रोहित में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से आ चुके हैं दुर्गा पूजा पंडाल का किस तरह से कितना वर्क हुआ है आपको दिखाने। तो वीडियो में पूरी तरह से बने रहिएगा, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोज के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज है 1 सितंबर और देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से डकमंगला चौराहा के पास में जो भी इसका कलाकृति वगैरह था इसको है लगभग आपको 70-80% जो है इसमें बैठा दिया गया है और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बैठना बाकी है, जिसके जरिए इस डकमंगला चौराहे के पास में इस बन रहे दुर्गा पूजा पंडाल की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। तो चलिए उसको डिटेल से आज दिखाते हैं और देख सकते हैं नीचे में बहुत सारे अभी भी बांस रखे हुए हैं और ये जो है आपको थर्मोकोल का कारीगरी है जो कि इस तरह से काट काट के और रंग कर बनाया गया है और फिर इस पर जो है आपको लाइटिंग की व्यवस्था देखने को मिलेगी और उसके बाद इसकी खूबसूरती है और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। देख सकते हैं नीचे का डिज़ाइन तो पहले जैसा ही है, जैसे पहले से बनता था, बीच में ऐसे दो दीवार और ऐसे बीच में देखने के लिए जाइए और बाहर निकलिए, तो ऐसा कुछ यहाँ पर होने वाला है और ऊपर में देख सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर चल के और अच्छे से डिटेल से आपको दिखाते हैं इस दुर्गा पूजा पंडाल के बारे में। तो अंदर में एंटर करते हैं तो कुछ ऐसा होता है, मतलब इसका जो डिज़ाइन है पहले से ही ऐसा मतलब बनाया हुआ रहता है ताकि अंदर में और भी बहुत सारे दुकानें हैं, बहुत सारे लोग हैं तो उनके लिए मतलब व्यवस्था रहता है प्रॉपर, ताकि आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर अंदर की बात करें तो कुछ अलग तरह का यह डिज़ाइन हो गया है, देख सकते हैं अंदर में, देख सकते हैं गुंबज वगैरह इस तरह से तैयार हो गया है। तो देख सकते हैं इस तरह से भगवान विष्णु का बहुत सारे मूर्ति वगैरह यहाँ पर लग चुका है, अब बन के तैयार हुआ है और नीचे में जो है आप भरतनाट्यम करते हुए इस तरह से मूर्तियाँ लगाई गई हैं भगवान शंकर के, विष्णु के, अलग अलग तरह के। हम पिछला बार भी दिखाए थे तो ये जो लाइट का आपको डिज़ाइन है ना ये आपको मेन रोड पे लगना है, जो आपको कुछ देर पहले दिखाए थे स्टार्टिंग में जहाँ पे बांस का स्ट्रक्चर वगैरह खड़ा है, तो कुछ इस तरीके का आपको रोड पर लाइटिंग का डिज़ाइन दिखने वाला है रात के टाइम में जब लाइट ऑन होगा तो इस तरह से आपको दिखेगा। अगर बात करें तो ये जो है आपको चंदन नगर जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है वहाँ से मंगवाया जा रहा है और इस तरीके से यहाँ पे इस तरह का लाइट का आपको मेन रोड पे देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे है जो पूजा समिति के लोग बैठते हैं और यहाँ पे और भी कुछ कलाकृति है जो तैयार किए गए हैं थर्मोकोल से, चलिए दिखाते हैं। तो देख सकते हैं कलाकृति वगैरह यहाँ बन के तैयार हो रही है और ये अलग अलग जगह लगना है जैसा इनका प्लान वगैरह हो। देख सकते हैं अलग अलग देवता की जो तस्वीर है, अलग अलग मूर्तियाँ वगैरह जो है यहाँ पर लगना है और वो सारा कुछ है यहाँ पे बन के तैयार है और जैसे जैसे जहाँ पे इसे लगाया जाना है तो पूर्ण रूप से जब ये लग के तैयार हो जाएगा उसके बाद जो है और भी ज़्यादा खूबसूरत आपको दुर्गा पूजा पंडाल लगने वाला है। तो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है दुर्गा पूजा पंडाल जो कि आपको ऊंचाई इसकी 85 फीट होने वाली है और इसकी टोटल चौड़ाई 55 फीट होने वाली है। अगर बात करें तो इसके अंदर बन रहे माँ दुर्गा की प्रतिमा तो उसकी जो है ऊँचाई 15 फीट होने वाली है। यहाँ पर जो डकमंगला चौराहा के पास जो दुर्गा पूजा पंडाल बन रहा है तो उसके लिए देख सकते हैं इतने सारे ये पेंट वगैरह है और ये थर्मोकोल वगैरह है और इसे जो पेंट करके खूबसूरती में 4 चांद लगाना है ताकि जो है इस दुर्गा पूजा पंडाल से रिलेटेड जो भी देखेगा काफ़ी खूबसूरत हो और रात के टाइम में भी लाइट वगैरह से इसका जो खूबसूरती है जगमगा उठे। तो देख सकते हैं इस तरह से भगवान के पुतले यहाँ पर लगाए गए हैं, तो भगवान श्री राम के और भगवान शंकर के और भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग रूप इस तरह से बहुत सारे यहाँ मूर्तियाँ लगाई गई हैं जो कि आपको फाइनल दुर्गा पूजा पंडाल बनने के बाद दिखने वाला है। नरसिम्हा भगवान का अवतार, भगवान विष्णु, ऐसे ऐसे करके सारे भगवान का रूप आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। पंडाल के पीछे में इस तरह से इतना मेहनत हो रहा है तो पीछे से आपको डकबंगला चौराहे का दुर्गा पूजा पंडाल कुछ इस तरीके से दिखता है, देख सकते हैं इस तरह से जो तैयारी है इसकी हुई है और ऊपर में आपको सजावट लगना है, मतलब ये कह सकते हैं इस साइड में पूरी तरह से पैक हो जाएगा और साइड से जो भी मूर्तियाँ वगैरह आप बन के रखी हुई हैं नीचे में सारा कुछ है बन के जब पूरी तरह से तैयार हो जाएगा ना तो इसके ऊपर में जितने भी डिज़ाइन वगैरह वहाँ पे लग जाना है और उसके बाद इस दुर्गा पूजा पंडाल का खूबसूरती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और रात के टाइम में जब लाइटिंग इस डकमंगला चौराहे के पास में इस दुर्गा पूजा पंडाल का खूबसूरती काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये हो गया डकमंगला चौराहे का दुर्गा पूजा पंडाल और आगे में है डकमंगला चौराहा और इस साइड में आपको कोतवाली थाना
और जस्ट इसके सामने में अगर बात करें तो यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ पे आपको वॉच टावर बन जाएगा जिसके जरिए जो है पूजा संघ समिति के लोग जो है भीड़ पे अपना नजर बनाए रखेंगे। माँ दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन करते हुए किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो श्रद्धालुओं को, तो इस तरीके से ध्यान रखा जाता है। और इस दुर्गा पूजा पंडाल के आसपास की बात करें तो देख सकते हैं की साइड में इस तरह से दुकानें वगैरह लगेंगी, छोटे मोटे जो भी खिलौना हो गया, श्रृंगार हो गया, खाने पीने की जितनी भी वस्तु है आपको इस तरह से यहाँ पे स्टॉल वगैरह लग जाता है, वहाँ से देखिए स्टार्ट होता है। तो अभी बोरिंग रोड चौराहा आ चुके हैं और इस दुर्गा पूजा पंडाल का जो थीम है आपको अयोध्या के श्री राम मंदिर के तर्ज पे इसे बनाया जा रहा है। देखते हैं आने वाले फ्यूचर में किस तरह से बनकर तैयार हो पाता है। और इस दुर्गा पूजा पंडाल का देख सकते हैं जितना भी तैयारी हो पाया है, और इसके अगल बगल पूजा पाठ के सामान वगैरह मिलते हैं शुरू से ही। बनने के बाद जब माँ दुर्गा का पट खुलेगा तो वो भी हम दिखाएंगे, और देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आसपास से भी इसके अंदर में इस तरह से जो है इसका तैयारी हो रहा है। अगर बात करें तो पंडाल की ऊंचाई टोटल 55 फीट होने वाली है और इसकी चौड़ाई 50 फीट होने वाली है। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से अलग अलग तरह के डिजाइन वगैरह तैयार हो रहे हैं, कलाकार लोग लगे हुए हैं इस दुर्गा पूजा पंडाल को ज़्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए। और इस पर्दे की बात करें तो पर्दे के पीछे माँ दुर्गा का ये मूर्ति बन के तैयार हो रहा है। तो जब बन के तैयार हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपको दुर्गा पूजा पंडाल का ये व्यू है पूरा अच्छे तरीके से अंदर से बाहर तक का पूरा व्यू दिखा पाए। तो ये था दोस्तों डकबंगला चौराहा और बोरिंग रोड चौराहा, दोनों जगह का दुर्गा पूजा पंडाल का किस तरह से कितना वर्क हो पाया है आपको दिखा दूँ। तो ऐसे ब्रिज क्लिक पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर किसी ऐसे ही ब्लॉग के साथ, फिर किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।